दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीजो ऐप के बारे में। और वीजो एक लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे आप अपनी आईडी क्रिएट करेंगे, कैसे इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करेंगे, कैसे यहाँ पे रिचार्ज करना है और वीडियो कॉल कैसे करना है, एप्लीकेशन ट्रस्टेड है भी या नहीं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो समझने के लिए आप वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। और अगर ये पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब दोस्त, वीजो एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए जरूरी है कि आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो। तो उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद उस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने पहले से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं अब यहां पे इसको ओपन करता हूं। ओपन करते ही मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया, क्योंकि मैंने पहले से यहां पे आईडी क्रिएट किया हुआ है। लेकिन आपका यहां पे आईडी नहीं होगा, आपको आईडी क्रिएट करना होगा। आईडी क्रिएट करने के लिए जैसे आप ओपन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप गूगल से लॉगिन करना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर से। तो आपको जो भी ठीक लगे उसके थ्रू आप यहां पे आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा जेंडर सेलेक्ट करना, प्रोफाइल फोटो लगाना, डेट ऑफ बर्थ सेट करना और उसके बाद यूजर नेम सेट करना। तो ये सारा कुछ सेट कर देने के बाद आपका भी इस तरीके से प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब अगर आप अपने प्रोफाइल में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि देखिए ये जो प्रोफाइल है ना, यहीं पे अकाउंट इन्फो का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप चाहें तो अपना निक नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर कंट्री सेलेक्ट जो भी मैंने किया हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं। चाहें तो आप डीपी को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और अगर आप कुछ और भी सेटिंग्स देखना चाहते हैं अपनी आईडी में तो देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट के ऑप्शन पे आने के बाद चाहें तो यहाँ पे गूगल की आईडी भी बाइंड कर सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर से आईडी क्रिएट किया हुआ है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे बाइंड दिखा रहा है। आप चाहें तो अपनी आईडी को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। इसके अलावा भी देखिए पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। किसी को भी अगर आपने ब्लॉक किया है तो यहीं से आप उसको अनब्लॉक भी करेंगे। और आईडी को अगर नहीं यूज़ करना तो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं इस आईडी को। फिलहाल ये तो हो गया इस प्रोफाइल के बारे में डिटेल। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए दोस्त देखिए जो भी नीचे के ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है मैचिंग कॉल का, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए फ्री मैच का ऑप्शन दिया गया है और सभी नए यूजर को जो भी यहाँ पे नया आईडी क्रिएट करते हैं उनको कुछ कार्ड मिलते हैं फ्री में बात करने के लिए। तो वो यहाँ पे आने के बाद देखिए फ्री मैच पे क्लिक करेंगे तो उनका कॉल किसी ना किसी से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे फ्री में वो बात कर सकते हैं। इसके बाद भी देखिए यहाँ पे फॉर यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ प्रोफाइल्स दिख जाएंगे, जहाँ पे फिर से आप फ्री मैच पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉल कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जब हम आईडी क्रिएट करते हैं तो हमारे आईडी के साथ यहाँ पे देखिए फ्री कार्ड मिलता है। और ये मिला है कि नहीं आपको आप चेक करने के लिए अपने प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे जैसे ऊपर मेरे यहाँ बीन्स दिखा रहे हैं, फिर मेरे पास कार्ड है कि नहीं और फिर यहाँ पे देखिए दोस्त कितने हैं वो सारा दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक मुझे कार्ड मिला हुआ है फ्री में बात करने वाला। और यहाँ पे देखिए जो डायमंड्स होता है, डायमंड्स हमें चाहिए होता है किसी को कॉल करने के लिए। ये जो बीन्स होते हैं वो हमारी अर्निंग होती है जिसको हम विड्रो कर सकते हैं। ये सारा कुछ भी मैं आगे आपको समझाता हूँ, फिलहाल हम कॉल के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ऑप्शन पे ये सारा मैच तो समझ लिया, अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त की दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो पॉपुलर का ऑप्शन दिया गया है और एक न्यू का ऑप्शन दिया गया है। पॉपुलर पे वो सभी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अपना टाइम वगैरह पूरा कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन पे पॉपुलर हैं, फेमस हैं, ठीक है। और न्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वो मेंबर्स को देख सकते हैं जो जिन्होंने नया नया इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है और इसको ज्वाइन किया है। यहाँ पे आप चाहें तो क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पे डेली अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और यहाँ पे मंथली कौन से मेंबर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वेल्थ लेवल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी भी मेंबर को आप चाहे डायरेक्ट कॉल करना या फिर उनके लाइव को देखना, तो उसके लिए देखिए ये सभी प्रोफाइल्स जो हैं, जैसे यहाँ पे लाइव लिखा हुआ है मतलब ये लाइव है और ये जैसे ऑनलाइन है, ठीक है। आप इनको डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जैसे ये प्रोफाइल भी लाइव है। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं फ्री मैच वाले से कॉल करना तो देखिए जैसे फ्री मैच पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें से किसी भी प्रोफाइल पे कॉल आपका लग जाएगा और किसी से भी आपकी बात हो सकती है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट कॉल करना किसी भी मेंबर को तो आपको उनके प्रोफाइल पे आना पड़ेगा और फिर यहाँ पे वीडियो कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप चाहे तो आप उनको यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं, उनको कौन सा गिफ्ट मिला है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उनका लेवल कितना है ये सारा देख सकते हैं, कंट्री आप चेक कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके उनको रिपोर्ट करना या फिर ब्लॉक करना तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी मेंबर को अगर आप लाइव यहाँ पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन पे आना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी मेंबर के लाइव में ज्वाइन हो जाएंगे और सभी मेंबर्स जो भी यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आप वहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। किसी मेंबर को आप चाहें तो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके उनको गिफ्ट सेंड कर सकते हैं। और ये देखिए कॉल का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप उन मेंबर को कॉल कर सकते हैं। कुछ भी आप मैसेज यहाँ पे सेंड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से आपका मैसेज भी सेंड हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं ये प्रोफाइल से और उसके बाद हम आते हैं मैसेज के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन की तरफ से कौन सा मैसेज आया है या फिर यहाँ पे जो भी यूजर्स हैं उनके तरफ से क्या मैसेज आया है वो सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद से देखिए यहाँ पे अपने प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे रिचार्ज कैसे करना है। कॉलिंग हमने समझ लिया, यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करना हमने देख लिया।
अब मैं आपको रिचार्ज के बारे में भी समझा देता हूँ। तो देखिए रिचार्ज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आपको क्या करना है कि जो भी हमारे डायमंड्स है ना, यहाँ पे देखिए बाय डायमंड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने रिचार्ज का सारा प्लान आ जाएगा। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमारे पास 0 डायमंड है, और अगर हम रिचार्ज करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी प्लान हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे हम पहले वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं तो ये $2.99 का है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे देखिए हमें 20,000 पॉइंट मिलेंगे, 20,000 डायमंड मिलेंगे, और उसके साथ 5,050 डायमंड भी हमें गिफ्ट में मिल जाएगा। अब ये रिचार्ज करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, तो फिर हमसे पूछेगा कि आप रिचार्ज किस तरीके से करना चाहते हैं। और रिचार्ज करने के लिए देखिए हम यहाँ पे गूगल पे के थ्रू हम रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, UPI से डायरेक्ट रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर पेटीएम वॉलेट से, नेट बैंकिंग से, या फिर रिडीम कोड से। अब इसमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसे आप ये रिचार्ज कर लें। मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलूँगा कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी आप रिचार्ज न करें, और पेटीएम वॉलेट वैसे भी अभी चल नहीं रहा, उसको भी आप अवॉइड करें। बाकी जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसको आप यूज़ करके यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायमंड को परचेज कर सकते हैं, और आप मेंबर्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर लेवल अपना चेक करना चाहते हैं तो माई लेवल के ऑप्शन पर आके चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास बीन्स हो जाते हैं उसको आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए बीन्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर पेमेंट किस तरीके से आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जैसे ईपे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप कोई और भी मेथड यूज करना चाहते हैं तो आपको देखिए अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे इंडिया हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर किस तरीके से आप पेमेंट को विड्रॉ करना चाहते हैं, ईपे से या फिर बैंक अकाउंट में, बाइनांस से या फिर USDT से, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना ईमेल आईडी डाल देना, और उसके थ्रू आप यहाँ पे अपना पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीजो एप्लीकेशन के बारे में आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।